तो यार कैसे आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम ट्राई करने वाले माइनक्राफ्ट के कुछ मिथ्स, तो देखते हैं इन मिथ्स में कितने सही है और कितने झूठ। अगर आपको भी मिथ्स पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं जरूर उन मिथ्स को ट्राई करूंगा। तो बिना कोई देरी किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथ नंबर वन, इस मिथ के हिसाब से अगर हम लोग फ्रॉस्ट वॉकर एन्चेंटमेंट बुक को फॉक्स को देंगे तो पानी के अंदर चलते वक्त आइस पाथ बनाएगा। हम सबको पता है कि अगर फॉक्स को कौन सा भी आइटम देंगे तो उसको अपने मुंह में रख लेगी और उसको यूज भी करेगी। अबे मारना नहीं आता क्या? अच्छे से मारो ना। अब देखो ये मारेगी इसको, जल्दी से मारो, वीडियो खराब हो जाएगी नहीं तो। अबे यार ये किस जानवर का, सीधा सीधा ऐसा जाके मार सकते हैं ना। तो यार अब इसको देते हैं फ्रॉस्ट वॉकर की एन्चेंटमेंट बुक। आप लोग देख सकते हो एन्चेंटमेंट बुक को अपने मुंह में रख लिया, अब चलते हैं पानी के अंदर। तो गाइस ये मिथ वर्क कर रहा है, यहाँ पर तो आइस का ब्रिज बन रहा है। एक मिनट, मैंने अपनी फ्रॉस्ट वॉकर बूट्स निकालना भूल गया, सॉरी 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 सॉरी। नहीं यार यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा, हेंस द मिथ इज बस्टेड। मिथ नंबर टू, इस मिथ के हिसाब से हम लोग डेलाइट सेंसर को एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। जिन्हें डेलाइट सेंसर नहीं मालूम उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि डेलाइट सेंसर एक सोलर पैनल की तरह वर्क करती है। बेसिकली माइनक्राफ्ट के अंदर डेलाइट सेंसर को रात होते ही घर को टेलीपोर्ट होने के लिए यूज करते हैं। इसे बनाने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, वो अभी नहीं अगले वीडियो में ट्राई करेंगे, या फिर आप लोग इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। तो अब इस मिथ को ट्राई करते हैं ये फ्यूल की तरह वर्क करते हैं या फिर नहीं। ब्लास्ट फर्नेस में तो कुछ नहीं हो रहा, फर्नेस में ट्राई करके देखते हैं। ओके फर्नेस में ये चीज़ वर्क कर रही है, लेकिन इतना महंगा फ्यूल कौन यूज़ करता है यार, आसानी से कोल और वुड से काम बन जाती है। खैर हेंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। मिथ नंबर थ्री, इस मिथ के हिसाब से अगर हम लोग वेट स्पॉन्ज को ड्राई करना हो तो नेदर के अंदर जाके उसे रखते ही वो ड्राई हो जाएगी। अगर नॉर्मल माइनक्राफ्ट में वेट स्पॉन्ज को ड्राई करना हो तो हमें उसको फर्नेस में डालते वो ड्राई हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जल्दी से नेदर के अंदर जाके इस मिथ को ट्राई करेंगे। ओके हम लोग आ चुके हैं नेदर के अंदर, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा घटिया से जगह है। तो आप ट्राई करते इस वाले मिथ को। हाँ यार ये मिथ वर्क कर रहे, ये तो कमाल की चीज है यार, इससे तो आसानी से हम लोग वेट स्पंज को ड्राई कर सकते हैं। हेंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। मिथ नंबर फोर, इस मिथ के हिसाब से अगर हम लोग एक गड्ढा खोदने के बाद उसके अंदर पानी डालेंगे और पानी के अंदर एक चेस्ट को रखेंगे और चेस्ट के ऊपर एक टीएनटी को फोड़ेंगे तो चेस्ट को कुछ नहीं होगा, तो ट्राई करते ये वाला मिथ। तो ये डाला पानी और चेस्ट को रख दिया, अब चेस्ट के अंदर मेरे स्वॉर्ड और बो को रखेंगे ताकि पता चले इन्हें कुछ होता है या फिर नहीं। अब यहाँ पर क्राउच होकर एक टीएनटी को प्लेस करेंगे और इसे इग्नाइट करेंगे। तो यार चेस्ट को तो कुछ नहीं हुआ, अंदर देखते हैं, और मेरे सामान को भी कुछ नहीं हुआ, हेंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। मिथ नंबर फाइव, इस मिथ के हिसाब से अगर हम लोग पानी के अंदर कोल्ड्रोन रखें और कोल्ड्रोन के अंदर लावा डालने के बाद हम लोग कोल्ड्रोन के अंदर छेलेंगे तब भी हमको डैमेज पड़ेगी, तो ट्राई करते हैं वाला मिथ। ये रख दिया कोल्ड्रोन, अब इसके अंदर लावा डालेंगे। अरे मैं इसके अंदर लावा नहीं डाल सकता, अब कुछ जुगाड़ ट्राई करना पड़ेगा। तो यार मैं पिस्टन की मदद से लावा वाली कोल्ड्रोन को पानी के अंदर ढकेल दिया, अब इसके अंदर जाके देखते हैं मुझे डैमेज पड़ती है या फिर नहीं। ओ यार मुझे डैमेज पड़ रही है, तो यार ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है यार, हेंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। मिथ नंबर सिक्स, इस मिथ के हिसाब से अगर हम लोग एंडरमैन को आई ऑफ एंडर या फिर एंडर पल देंगे तो वो लोग टेम हो जाएंगे या फिर ब्रीड भी करेंगे, तो ट्राई करते हैं वाला मिथ। यहाँ पर टेम की ऑप्शन भी नहीं आ रही है, आई ऑफ एंडर से टेम नहीं हो रहे, एंडर पल से ट्राई करेंगे, इससे भी कुछ नहीं हो रहा, हेंस द मिथ इज बस्टेड। मिथ नंबर सेवन, इस वाले मिथ के हिसाब से हम लोग हमारे बो के ऊपर शार्पनेस वाले एन्चेंटमेंट को लगा सकते हैं। अजीब है ना, ट्राई करेंगे। ये रखा शार्पनेस एन्चेंटमेंट बुक, नहीं यार कुछ भी नहीं हो रहा, हेंस द मिथ इज बस्टेड, शार्पनेस एन्चेंटमेंट नहीं लगा सकते। मिथ नंबर एट, हम सबको पता है कि एक हॉगलिन काउ से ज्यादा बड़ा होती है, लेकिन इस मिथ के हिसाब से ये हॉगलिन एक ब्लॉक जितना होल से भी अंदर और बाहर जा सकती है। What? हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा, लेकिन ट्राई करेंगे। इसके अंदर मैंने एक कव को छोड़ा, अब इसको तोड़ेंगे, अब देखते हैं कव आ सकती है या फिर नहीं। ऑब्वियसली नहीं आ सकती, पहले ये होल्स को बंद कर देते हैं। और अब हॉगलिन की बारी, हमने हॉगलिन को स्पॉन कर दिया, अब देखते हैं ये बाहर आती या फिर नहीं। वेट अभी अभी ये बाहर आ गया कैसे? खैर कुछ भी हो, हेंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट करें ताकि हम कभी भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कमेंट सेक्शन में मिथ्स को लिखना भूलना मत। हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।